वर्षा और अनुभव कर हेला काउंसलिंग कटक एसडीजेएम को कोर्ट रे आज उभयंकर काउंसलिंग होईछि। कोर्ट को निर्देश मुताबक उभय आज हाजर होईथिले। वर्षा प्रियदर्शिनी पारिवारिक हिंसार शिकार नहीं अभियोग आणवा सह एने मोकदमा दायर होता से संपर्क में काउंसलिंग डाकिथिले कोर्ट। आज पूर्वाह्न और अपराह को मिसाई मैजिस्ट्रेट चैंबर में दुई थर काउंसलिंग हेले कौन निर्यास बाहर जमापड़ना। शुक्रवार एही स्टार दंपति छाड़पत्र आवेदन को कोर्ट खारज कर देते। जदि भूल जदि मुझे आज्ञा किसी भी कहवा अनुसार ताहले मते एत बाधु न था हुए तो लंबा टाइम जदि गड़ू भूल जेहेतु किसी करना भूल किसी न थी भी कोर्टर बारंबार द्वारस्थ हाँ पड़ू कोर्ट दौड़ा पड़ू कि न्यायर अपेक्षार रही रही शेषर गोटे एभलिया ऐतिहासिक निर्णय आसो कोर्टर ताक आशा करूँ के चिंता करूँ जस्टिस धर्मर सत्यर न्यायर जय है ना कि हम अलबत् सुप्रीमकोर्टर निर्देश अनुसार कटक परिवार अदालत ताको विचार कले आ कटक परिवार अदालत विरुद्ध अनुभव जाते हाइकोर्ट को हाइकोर्ट से कथा शुणिले न शुणा फल से कहीदे जे ये केसटा को टार्गेट करदे एतिक दिन भितर सारे किंतु समस्त दस्तावेज आउ समस्त दरखास्त आउ दुई जनकर साक्षी ये सब कु लेकर एक्जिबिट सब लेकर सी उपनीत हेले यहाँ गोटे रंग डोर रे स्टेप निया जोटा कि समाज पर प्रभाव पकेब तेणु से डिवोर्स को खारज कले। उभय आवेदन को कोर्ट शुक्रवार अग्राह्य कर देवापर उभय पक्ष उच्च न्यायालय आश्रय ने एपरी स्थले चर्चित दंपति दाम्पत्य कड़ी में पूर्णच्छेद पड़ संभावना कम किंतु आईन विशारदों मतरे उभय पक्ष चाहिए आपोष समाधान हो पार उभय कंप्रोमाइज करि पारिले बुझामणा आधार रे छाडापत्र मध्ये होई पारिबो किंतु एही सेलिब्रिटी दंपति एहाकु केते दूर ग्रहण करिवे ताहा ही प्रश्न। बर्तन कथा ला तार जहां मु देखु छी तार तीनोटी दिग अछि। प्रथम दिग टे हला से माने एही तळगोटा राय विरुद्ध रे हाई कोर्ट जाइबे ताकु चैलेंज करिवे अथवा दिए दिंग भितरे बुझामणा करि मिसि रही एकाटी तांकर वैवाहिक जीवन जापन करि पारिबे। तृतीय तो हूँ निजर म्यूचुआल कनसेंट्रेट डिवोर्स ये तीनोटी दिग देखा जा सब पुनर्पत उभयर बुझाणा दरकार ना चैलेंज कर हाइकोर्ट नदे पीछे चैलेंज कर सुप्रीमकोर्ट जी आउ कि बाट ना। अनुभव दायर कर छाड़पत्र आवेदन शुणी आगर उभय वर्षा और अनुभव अनेक थर काउंसलिंग प्रक्रिया को सामना कर सारी हेले सेतेटा सुफल मिलना। कैमेरा पर्सन देवव्रत स्वाई कटक्रु देवीप्रसाद महांती रिपोर्ट न्यूज 7।